जी नमस्कार। देश के चुनिंदा अखबारों में से एक बढ़ते कदम के हवाले से एएनवी न्यूज आपको बतलाने जा रहा है अभी तक की बड़ी खबर। दरअसल बात अगर असम की जाए तो असम में बाढ़ ने पूरी तरह से हाहाकार मचा रखा है। लोग त्राहिमाम कर उठे हैं। तो वहीं इस बाढ़ के चलते 42 लाख के करीब लोग जो हैं वो पूरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि असम में मानसून के पहले ही नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण करते हुए असम में हालात बद से बदतर करके रख दिए हैं। बाढ़ से बदतर हालात के बीच पिछले 24 घंटे में कुल 9 लोगों के डूबने और जमीन खिसकने की वजह से मौत हो गई। वहीं 8 लोग अब भी लापता है। राज्य में इस साल अब तक कुल 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कम से कम 11 लोगों की मौत भूस्खलन की चपेट में आने से हुई है। यह जानकारी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बरपेटा और करीमगंज जिले में 2-2 लोग डूब गए। वहीं दरंग, हैराकांदी, नलबाड़ी और शौनितपुर में 1-1 व्यक्ति की डूबने से ही मौत हो गई। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो राज्य के 32 जिलों के 42 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इंतजामों की अगर बात की जाए तो करीब 1,50,000 से ज्यादा लोग 744 राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। वहीं 403 अस्थायी केंद्रों से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाई गई या बांटी गई। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। केवल बरपेटा जिले में अकेले 7.31 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो गए। वहीं दरंग में 3.54 लाख और बजाली में 3,52,000 लोग, हजाई में 1.25 लाख और बंगाई गांव में 1,13,000 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान में लगातार बारिश की वजह से असम समेत अन्य पड़ोसी राज्यों की नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं, और ऐसा तब हो रहा है जब मानसून आया ही नहीं। असम के कई हिस्से में ब्रह्मपुत्र, पागलदिया, बेकीमानस, कपिली, जिया और भराली का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार बारिश की वजह से राजधानी गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की और सभी जिला प्रशासनों को राहत सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं असम सरकार बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने व उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी से मदद लेगी। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ड्रोन सर्वे के जरिए अभियान में मदद करेगी। संस्थान के डीन परमेश्वर अय्यर ने कहा कि सरकार ने हमसे संपर्क किया है और हम जल्द ही इस दिशा में काम शुरू करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी की ओर से ड्रोन स्टार्टअप के तौर पर तैयार किया गया था और अब इसी के सहारे जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर पूरी नजर रखी जाएगी। असम के बीच बाढ़ ने हाहाकार मचाते हुए लोगों का जीवन पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है और कई लाख लोग जो हैं वो पूरे तरीके से बेघर हो गए हैं और उन्होंने सरकारी राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बहरहाल एएनवी न्यूज़ की इस स्पेशल रिपोर्ट या बड़ी खबर में अब इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए आप हर पल हर समय देखते रहें सिर्फ और सिर्फ एएनवी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।